आबादी है सरोजनी नगर। महिला मोर्चे की जितनी हमारी बहनें हैं, आप सब लोगों को हमारे तरफ से हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम। जेकर फोटो ना भइल होई होइबे करी। हमारे कई यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक लोग भी आए हैं, उन बहन श्रीमती पूनम मिश्रा जो पार्षद है, श्री राम नरेश रावत जी वो भी पार्षद है, श्री सुधीर राजपाल जी यहाँ उपस्थित हैं, श्री राजन मिश्रा जी उपस्थित हैं, श्री राजू वाजपेयी जी उपस्थित हैं, श्री मनोज कुमार प्रेमी जी, श्री रिंकू सिंह जी, राजेश चावला जी, दिलीप नयाल जी, संदीप यादव जी, अंचल साहू जी, अनुज अग्रवाल जी, शिव प्रकाश मिश्र जी, शेर अली जी और लीडर है। संसद में जब वो बोलते हैं तो एक बार उनको सुनने के लिए चाहे किसी पार्टी का सांसद हो आता है। ऐसे झारखंड में गोड्डा के सांसद हमारे बड़े भाई तीसरी बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी का जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। मैं उनको एक बुके देना चाहता हूं, थोड़ा भैया को बुलाओ सामने मंच पे, वो हमारे गुरु भी हैं। भैया जोरदार तालियों से निशिकांत दुबे जी का आप सब स्वागत कर ले। निशिकांत भैया, राजेश्वर भैया, मैं चाहता था कि भैया भी कुछ कहें लेकिन उन्होंने अपना समय कहा नहीं। मनोज तुम बोलो, हमें पता है जिस दिन मैं 2014 में सांसद का चुनाव लड़ने जा रहा था, हमारे आंखों के सामने सब कुछ सुनने की तरह था। मुझे नहीं पता था मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, कौन हमारे साथ खड़ा होगा। बस मन में यही था कि नरेंद्र मोदी जैसे एक गरीब घर के बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, यही सोच के हम लड़ रहे थे। अचानक एक दिन एक फोन आता है कि राजेश्वर सिंह बात करना चाहते हैं। मैं उस दिन नहीं जानता था राजेश्वर सिंह जी को। मैंने बात किया, आगे से उनकी बात सुनी, बोले मनोज भाई आपको चुनाव लड़ने में कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, मैं राजेश्वर सिंह हूं, इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, चुनाव के बाद मिलूंगा जब तुमको जिता लूंगा। मनोज भैया राजेश्वर से। राजेश्वर भाई आप भूल गए होंगे, मैं इसको सोच के इमोशनल होता हूं क्योंकि अचानक मुझे चुनाव लड़ने को कहा गया था। चुनाव लड़ने में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और आज ठीक उसके 7.5 साल बाद मुझे राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से विधायक बनाने के लिए हाथ जोड़ने का मौका मिला। यह मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और वो सत्य भी हुआ। जीतने के बाद ये हमसे मिले, पता चला इनके करीब 25 लोग हमारे लिए काम कर रहे थे। ये छोटी बात नहीं होती है जब आपको पता ही नहीं।